हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज 23 जनवरी और आज के इस वीडियो में हम 23 जनवरी से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। चलिए रिवीजन कर लेते हैं। कल की क्लास में हमने देखा था कि अयोध्या राम मंदिर पर टिकट रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जारी किया है। रिसेंटली अरुण योगी राज, ये एक मूर्तिकार है, इन्हीं के द्वारा तैयार की गई भगवान रामलला की 51 इंच ऊंची मूर्ति है जो कि राम मंदिर में स्थापित की गई है। IDC ने जो रिपोर्ट रिलीज की है इसमें शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता कंपनी 2023 में सबसे अधिक यूनिट्स एप्पल के बिके हैं, सैमसंग को इसने पीछे छोड़ा है। रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश में 9वें पक्का पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया गया। चंद्रमा की धरती पर उतरने वाला 5वां देश जापान बना है। इसके पहले अमेरिका, रशिया, चाइना, चौथा भारत था, 5वां जापान बना। SSB के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी बने हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर यह ऑस्ट्रेलिया में बनेगा। एयरपोर्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड देखिए, केम्पघोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये बैंगलोर का है और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये दोनों ने ही जीता है। ऑप्शन में हालांकि मैंने केवल इसे ही बताया था लेकिन दोनों ही आंसर होगा। जाति आधारित जनगणना कराने वाला भारत का दूसरा राज्य बना है आंध्र प्रदेश, पहला पूछा जाए तो बिहार है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली तमिलनाडु में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6वें एडिशन का उद्घाटन किया। तो ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम लोगों ने कल पढ़ लिए थे। अब शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है, 6 बार भारत के गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी मेहमान बनने वाला एकमात्र देश ये कौन बना है? गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे जो कि अभी 2 दिन बाद मनाया जाएगा, 26 जनवरी को मनाया जाता है, तो इसमें मुख्य अतिथि के रूप में इस बार शामिल होने जा रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। प्रश्न मैंने क्या लिखा है, 6 बार। तो देखिए, 6 बार भारत के रिपब्लिक डे में विदेशी मेहमान बनने वाला इकलौता देश बन गया है फ्रांस। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ये मुख्य अतिथि होंगे। 6 बार आमंत्रित होने वाला इकलौता देश। अब तक भारत देश द्वारा यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के प्रतिनिधियों को सबसे अधिक यानी कि 5 बार से अधिक बार रिपब्लिक डे परेड में आमंत्रित किया गया है। ठीक है, तो फ्रांस यूरोप महाद्वीप का एक देश है जिसकी कैपिटल हो जाएगी पेरिस। पेरिस ये बसा हुआ है सीन नदी के किनारे। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे ना, तो इस साल के जो ओलंपिक होने जा रहे हैं, समर ओलंपिक है जो कि होस्ट करने जा रहा है पेरिस ही। एफिल टावर ये यही पेरिस में ही है। गैब्रियल अटल ये फ्रांस के सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली बनाए गए हैं। और प्रेसिडेंट तो मैं बता ही चुकी हूं, इमैनुअल मैक्रोन। करेंसी यहां की यूरो हो जाएगी। यहां से यदि आप करंट से रिलेट करेंगे ना, तो व्हाइट हाइड्रोजन की खोज कहां की गई है, तो ये फ्रांस में ही की गई है। एडिशनल तौर पर आप याद रख सकते हैं। यदि आप देखेंगे, फ्रांस से सीमा साझा करता हुआ देश स्विट्जरलैंड है। फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में जो पर्वत है इसका नाम है जूरा पर्वत। ट्रिक से रिलेट कर सकते हैं, जर स्विट्जरलैंड में क्या आ रहा है, जर और जूरा ये पर्वत रिलेट कर सकते हैं। यहां फ्रांस के साथ स्पेन की लोकेशन देख सकते हैं, स्पेन और फ्रांस बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, तो यहां से आप पेरेनीज पर्वत रिलेट कर सकते हैं। पेरेनीज पर्वत जो कि फ्रांस और स्पेन के बीच में बॉर्डर बनाती है। ठीक है, अब यही फ्रांस है जो कि फीफा मेंस वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना से हार गया था, उपविजेता रहा था। ऑप्शंस के थ्रू यदि हम देखें तो अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति जो बाइडेन, हालांकि यही शामिल होने वाले थे मुख्य अतिथि के रूप में, इनका आना कैंसिल हो गया। अब रिपब्लिक डे में सबसे पहले जो मुख्य अतिथि थे ये सुकर्णो थे, ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, ये सबसे पहले यही थे, याद रखेंगे। 1950 में ब्रिटेन के जो वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं ये कौन हो जाएंगे, ऋषि सुनक। भारतीय मूल के हैं, कंजर्वेटिव पार्टी के हो जाएंगे। आगे चलते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा दीपक किस शहर में जगमगाएगा? तो राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में सबसे बड़ा दीपक है जो कि जगमगाया गया है। 300 फीट की ऊंचाई पर खड़ा दुनिया का सबसे बड़ा दीपक है जिसने कि अयोध्या शहर को रोशन किया। दीपक में 1.25 क्विंटल कपास यानी कि रुई और 21,000 लीटर तेल शामिल किया गया। कुल 108 टीमों ने इसकी तैयारी के लिए एक वर्ष पूरे एक साल लगे हैं। प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, लक्ष्मीकांत दीक्षित के निर्देशन में पुजारियों के एक ग्रुप ने किया। कल तो दिन भर राम मंदिर में जो उद्घाटन होने जा रहा था, हर न्यूज चैनल में ट्रेंडिंग रहा है, आप लोगों ने देखा भी होगा। अयोध्या की यदि मैं बात करूं तो ये सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके अलावा आप ये रिलेट कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी ये अयोध्या ही बनी है। ठीक है,
और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 22 लाख से अधिक दिए जला करके इसने अपना नाम शामिल किया था दिवाली के मौके पर। वाराणसी की यदि मैं बात करूं तो गंगा नदी के किनारे बसा सबसे स्वच्छ शहर यही हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का निर्वाचन क्षेत्र है, जहां दुनिया का सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन रिसेंटली किया गया है। सूरत की यदि मैं बात करूं तो दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग इसी सूरत गुजरात में बनकर के तैयार हुई है। अहमदाबाद से आप रिलेट कर सकते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो कि नरेंद्र मोदी के नाम पर है और ये 1,30,000 दर्शकों की बैठक क्षमता वाला स्टेडियम हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत का पहला इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन कहां लॉन्च किया गया है? ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है केरला में, इसकी घोषणा पहले भी हो चुकी थी। तो ग्राफीन और 2D सामग्री प्रणालियों यानी कि मटेरियल सिस्टम्स में अनुसंधान और विकास, उत्पाद नवाचार, नवाचार का मतलब है इनोवेशन, और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के पर्पज से इसे लॉन्च किया गया है। ग्राफीन क्या होते हैं? देखिए, जो मोटर वाहन और ट्रांसपोर्टेशन आप कह सकते हैं कि परिवहन उद्योग के क्षेत्र में बेसिकली इसका इस्तेमाल यानी कि इसके उपयोग की संभावनाएं अधिक होती है। ग्राफीन के इस गुण के कारण ग्राफीन से निर्मित जो बैटरीज होती हैं और सुपर कैपेसिटर में न सिर्फ ऊर्जा भंडारण यानी कि एनर्जी स्टोरेज की क्षमता इसमें अधिक होती है और ये जल्दी से चार्ज भी हो जाते हैं, और इसी के लिए सेंटर ऐसा पहला लॉन्च किया गया है केरला में। केरल जहां आप शांत घाटी पढ़ते हैं, साइलेंट वैली केरला में है। इसकी राजधानी तिरुअनंतपुरम, जहां देश का पहला स्पेस टेक पार्क ओपन किया गया, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। नेशनल पार्क में इडुक्की वन्य जीव अभ्यारण, इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान रिलेट कर सकते हैं। झीलों में पेरियार, वेम्बनाद और अष्टमुदी झील आप ये रिलेट कर सकते हैं। साक्षरता रिपोर्ट, जो भी लिटरेसी रिपोर्ट आई है ना, सबसे साक्षर राज्य पूछा जाए तो ये केरला है। हेल्थ सर्वे इंडेक्स जो रिलीज किया गया है नीति आयोग के द्वारा, लगातार चौथे वर्ष इसमें केरला ही रहा है टॉप पर। देश का पहला जेंडर पार्क इसी केरल के कोझिकोड में स्थापित है किया गया। अब बात की जा रही है भारत के पहले की, तो ऑप्शंस के थ्रू यदि आप रिलेट करें तो देश का पहला सफारी पार्क है, हालांकि सबसे बड़ा सफारी पार्क कह सकते हैं, लेकिन यहां से आप ये रिलेट करें कि हरियाणा में जो गुरुग्राम है यहां देश का पहला ग्रेन एटीएम, अनाज एटीएम स्थापित किया गया है। तमिलनाडु में देश का पहला ऊर्जा द्वीप स्थापित किया गया है, डेनमार्क के सहयोग से किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में गौ संरक्षण के लिए पहला गौ अभ्यारण्य है, देश का पहला गौ अभ्यारण्य हमने करंट अफेयर में पढ़ा है, उत्तर प्रदेश में स्थापित होने जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के देसी खजूर की किस्म को, जिसका नाम है कक्षी खरेक, इसे जीआई टैग मिला है? तो ये प्रोडक्ट है ओडिशा का और इसे जीआई टैग मिला है। जीआई टैग पाने वाला गुजरात का ये दूसरा फल बना है। पहला फल कौन सा था? गिर केसर, ये आम है जिसे केसर भी कहा जाता है, ये पहला ऐसा फल था जिसे जीआई टैग मिला था। जीआई टैग की यदि मैं बात करूं, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इसे आप कह सकते हैं, भौगोलिक संकेतक, 10 साल के लिए वैलिड रहता है यदि किसी प्रोडक्ट को मिल जाए। सबसे पहली बार मिला था 2004 में दार्जिलिंग की चाय को। गुजरात के फैक्ट यहां से हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसकी राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं, लोकसभा सीटें 26, राज्यसभा सीटें 11 हैं। यहां से आप ये रिलेट करें कि गुजरात विधानसभा की जो पहली महिला अध्यक्ष है ये नीमा बेन आचार्य है, ये पिछले ही साल बनाई गई है। इसका लोक नृत्य यदि आप रिलेट करें तो ये गरबा है, जिसे यूनेस्को के अमूर्त विरासत सांस्कृतिक लिस्ट में ऐड किया गया। नेशनल पार्क में गिर वंशदा, ब्लैक बक मरीन, इसके अलावा बर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये समुद्री राष्ट्रीय उद्यान आप रिलेट कर सकते हैं। मोरबी में जो माछू नदी पर हादसा हुआ था छठ पर्व के मौके पर, जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। भावनगर में देश का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल स्थापित किया गया है। सूरत में दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग स्थापित की गई है, और अभी तक दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग ना अमेरिका में थी, अब सूरत में उद्घाटन हो चुका है। अहमदाबाद से मैं रिलेट करा ही चुकी हूं, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम गांधीनगर, ये अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं इसका इनका निर्वाचन क्षेत्र है। मेहसाणा का जो मोंडेर जिला है, मोंडेर गांव है आप कह सकते हैं, 24/7 सोलर एनर्जी से संचालित देश का पहला गांव बना है, ठीक है। गुजरात से आप ये भी रिलेट कर सकते हैं, वन नेशन
वन चालान लागू करने वाला पहला राज्य है भारत का, बालिका पंचायत का गठन करने वाला पहला राज्य, साथ ही सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य भी आपका गुजरात हो जाएगा। माफ कीजिएगा, आज थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको थोड़ी सी नॉइस आ रही होगी, तो मैं आज बाहर हूँ तभी आपकी क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ। ऑप्शंस के थ्रू यदि हम जीआई टैक्स को ही रिलेट करें तो तमिलनाडु के कन्याकुमारी लौंग को रिलेट कर सकते हैं जिसे जीआई टैग मिला है। जम्मू कश्मीर में पश्मीना, इसके अलावा गुच्छी मशरूम, बसोहली पेंटिंग जिसे जीआई टैग मिला 2023 में। और यदि आप रिलेट करेंगे तो ओडिशा की जो रसबली मिठाई है इसे जीआई टैग मिला है। ठीक है, आगे चलते हैं। पेप्सिको इंडिया के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रिसेंटली जागृत कोटेचा ये बने हैं पेप्सिको इंडिया के नए सीईओ, अहमद अल शेख का इन्होंने स्थान लिया। पेप्सिको जिसकी स्थापना 1898 में हुई, न्यूयॉर्क अमेरिका में हेडक्वार्टर है, रेमन लेगुआर्टा वर्तमान में इसके चेयरमैन हो जाएंगे। ये वही न्यूयॉर्क है जो कि हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय आप यहीं पर पढ़ते हैं। नील मोहन की बात करूं, ये भारतीय मूल के हैं, यूट्यूब के वर्तमान में सीईओ। शांतनु नारायण भी भारतीय मूल के हैं, एडोब के वर्तमान में सीईओ। सत्या नडेला ये माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन हैं, ये भी भारतीय मूल के हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, विश्व की पहली परमाणु बैटरी किस देश ने विकसित की है? ये रिसेंटली विकसित की गई है चाइना के द्वारा। चाइना का जो शहर है इसकी कैपिटल बीजिंग, बीजिंग का एक स्टार्टअप है जिसका नाम है वीटा वोल्ट। इसी वीटा वोल्ट ने सिक्के के आकार से भी छोटी, आप देख पा रहे इमेज में कॉइन से भी छोटी ये परमाणु बैटरी है जो विकसित की गई है। इसके लिए निकल 63 समस्थानिक का प्रयोग किया गया है, जिसकी खास बात यह है कि बिना रिचार्ज के 50 वर्षों तक ये ऊर्जा देती रहेगी। ये है इसकी खासियत जो कि चाइना ने विकसित किया है। चाइना की कैपिटल बीजिंग करेंसी रेनमिनबी, प्रेसिडेंट सी जिनपिंग है। एक्सरसाइज का नाम है हैंड इन हैंड जो कि भारत और चाइना के सैनिकों के बीच, मतलब सैन्य अभ्यास है ये। एशिया की सबसे लंबी रिवर यांगशी यहीं से प्रवाहित होती है। दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट ये चाइना ने ही लॉन्च किया। दिसंबर 2023 में दुनिया की सबसे गहरी भूमिगत प्रयोगशाला यहीं बनाई गई। और जूके 2 ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया मिथेन बेस्ड रॉकेट है, और ऐसा पहला देश बना चाइना जिसने कि दुनिया का पहला मिथेन से चलने वाला रॉकेट है जो कि ये लॉन्च किया था। डेनमार्क की यदि मैं बात करूं, पानी के नीचे CO2 स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश है। दुनिया की पहली सैंड बैटरी ये डेवलप की गई या लॉन्च की गई है फिनलैंड के द्वारा। जर्मनी हाइड्रोजन से ट्रेन चलाने वाला दुनिया का पहला देश है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, यहां से दो फैक्ट आप याद रख लें। फिनलैंड ये खुशहाली सूचकांक में, हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पर है, इसमें भारत की रैंकिंग 126 है। जर्मनी हाइड्रोजन से ट्रेन चलाने वाला पहला देश, एशिया का पहला देश चाइना, और भारत में पहली हाइड्रोजन ट्रेन ये हरियाणा में चलाई जाएगी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका थी प्रभा आत्रे, ये किस घराने से थी जिनका रिसेंटली निधन हुआ? ये किराना घराने से थी। इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। 92 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। 1991 में संगीत नाटक अकादमी, पद्मश्री, पद्म भूषण, राष्ट्रीय कालिदास अवार्ड, टैगोर अकादमी अवार्ड, इन सभी से ये सम्मानित की जा चुकी है। नाम है प्रभा आत्रे, किराना घराने से। संगीत के जो घराने होते हैं उसी में से किराना घराना है। बोइंग इंडिया एनर्जी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर जिसका उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। बोइंग टर्म कई बार मैंने यूज किया है, बोइंग टर्म याद कीजिए जिसके लिए भारत और किस देश के बीच में समझौता हुआ था। थोड़ा आप दिमाग पर जोर देंगे आपको याद आ जाएगा। इसके एडिशनल फैक्ट यदि आपको याद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, क्योंकि मैं आप सभी के कमेंट रीड करती हूं। अब यहां से कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर के फैक्ट हम देख लेते हैं। देखिए, इसी बैंगलोर में भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का मुख्यालय है। इसी इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। केम्प घोड़ा की प्रतिमा का उद्घाटन यहीं पर किया गया था, जिसे आप स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि की प्रतिमा कह सकते हैं। इन्होंने ही बैंगलोर शहर को बसाया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हेल्दी सिटीज अवार्ड इसे ही मिला है। ट्रैफिक इंडेक्स जो 2023 का जारी किया गया, सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर लंदन को,
इसमें बैंगलोर दूसरे स्थान पर भारत की तरफ से टॉप पर था और इसी बैंगलोर में देश की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी स्थापित की गई। तो यहाँ आज हम कर्नाटक के फैक्ट नहीं सिर्फ बैंगलोर के फैक्ट देखते हुए चलते हैं। दिल्ली में देश का पहला वॉर मेमोरियल यानी कि युद्ध स्मारक और भारत मंडपम का उद्घाटन यहीं किया गया, G20 के तर्ज पर जो बनाया गया था। इसी भारत मंडपम में दुनिया की सबसे ऊंची सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा का उद्घाटन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने किया था। अभी अटल सेतु का निर्माण कहाँ किया गया है ये करंट का सवाल है मुंबई में। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, देश का पहला गोल्ड ATM हमने यहीं पर पढ़ा है। सवाल है 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता है, तो सक्सेशन सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज रही है। इसमें जो द बियर है, बियर ने सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी का अवार्ड जीता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड कीरन कल्किन को मिला है। एमी अवार्ड के बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूं कि एमी अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय वीर दास बने, पहली भारतीय महिला एकता कपूर। ठीक है, 10वां प्रश्न है हमारा रिविजन के लिए, भारत की नई शास्त्रीय भाषा कौन बनी है? आप कह सकते हैं सातवीं भाषा ये बन गई है फारसी। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर हाल ही में ईरान के दौरे पर थे जहां इन्होंने नई शिक्षा नीति के तहत फारसी, पाली और प्राकृतिक भाषाओं को शास्त्रीय भाषा में शामिल करने की घोषणा की है। पाली भाषा बौद्ध धर्म, प्राकृतिक भाषा जैन धर्म और फारसी भाषा ईरान से संबंधित है। इसके पहले कुछ भाषाएं जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा पा चुकी हैं 2004 में तमिल, 2005 में संस्कृत, 2008 में कन्नड़ और तेलुगु, 2013 में मलयालम, 2014 में उड़िया। स्टैटिक जीके में भी हम देखें तो साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी 1917 में। गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को माना। साउथ अफ्रीका से ये लौटे थे 1915 में। गांधी जी का भारत में पहला सर्वप्रथम आंदोलन चंपारण में हुआ था। महात्मा की उपाधि इन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। असहयोग आंदोलन इन्हीं के द्वारा 1921 में शुरू किया गया। राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एक ही बार रहे हैं 1924 में। किस आंदोलन के समय गांधी जी ने ये कहा था कि ये मेरे जीवन का अंतिम संघर्ष होगा और आंदोलनकारियों को करो या मरो का नारा दिया, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने ये नारा दिया था। मैंने कल आपसे पूछा था यूक्रेन पर वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा, स्विट्जरलैंड राइट आंसर था। आज का सवाल है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, इसका जो भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शंस के थ्रू आप रिलेट कर सकते हैं कि ये जो व्यक्ति हैं और किसी ऑर्गेनाइजेशन संस्था में ये जिस पदों पर हैं, चाहे मैं प्रदीप जोशी की बात करूं, शक्तिकांत दास की, VVR सुब्रमण्यम या अरविंद पनगड़िया की, सभी के बारे में डिटेल में लिख सकें तो जरूर लिखिएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।